दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज की। आखिर व्हाट्सएप के इस तरह के डिलीट मैसेज हो जाते हैं और हम सोचते हैं आखिर दूसरे ने क्या भेजा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं अपने डिवाइस पर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। दोनों मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिए हैं। मैं इसकी भी व्हाट्सएप ओपन करता हूँ और ये मेरी व्हाट्सएप है इस फ़ोन की, और इस फ़ोन की व्हाट्सएप है ये। अब मैं इस व्हाट्सएप में से एक फ़ोटो सेंड करूँगा। यहाँ से मैंने फ़ोटो ले लिया है, यहाँ से फ़ोटो सेंड करना है। ये मैं फ़ोन का फ़ोटो सेंड करता हूँ। ये मैंने जैसे ही फ़ोटो सेंड करा तो दोस्तों देखो ये नोटिफिकेशन आ गया है। ये यहाँ से हटाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों मैं जैसे ही इसको फ़ोटो को देख लेता हूँ, दूसरा क्या करता है वो इस फ़ोन अपने फ़ोन में से यहाँ पर क्लिक करेगा। बैक करो थोड़ा, यहाँ पर क्लिक करेगा और इस डिलीट पर ऑप्शन करेगा और ये डिलीट फॉर एवरीवन और ये तुम्हारे इस फ़ोन पे से डिलीट हो जाएगा दोनों के फ़ोन में से। और यहाँ से कुछ टाइम के बाद इसमें से होता है, तो यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये फ़ोटो जो है डिलीट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया है, तो दोस्तों देख लो ये यहाँ से डिलीट हो चुका है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं है। तो दोस्तों ऐसी ही समस्याओं को और ऐसे ही मैसेजों को पढ़ने के लिए हमें एक ऐप पर जाना पड़ेगा जिस ऐप का नाम है नोटिसेव। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको कट करेंगे और हम अपने प्ले स्टोर के एक ऐप पर जाएंगे जो हमें मिलेगा प्ले स्टोर पर। ये प्ले स्टोर पर मिलेगा, हम अपने प्ले स्टोर पर जाते हैं। हम देखते हैं हमारा प्ले स्टोर किधर है। ये हम अपने प्ले स्टोर पर आए गए हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे नोटिसेव ऐप फॉर व्हाट्सएप। हमने नोटिसेव ऐप पर सर्च कर दिया है, ये लोडिंग हो रहा है। ये नोटिसेव ऐप है जो इस पर काम करेगा। ये अपलोड हो चुका है, कुछ टाइम वेट करेंगे, थोड़ा टाइम ये हो चुका है। अब क्या और ओपन करेंगे नोटिसेव ऐप पर क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पर। तो यहाँ से जो है आप थोड़ा बैक में जाएंगे, यहाँ पर नोटिसेव एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस, यहाँ पर अलाउ करेंगे। अलाउ करके जो आपके डिवाइस में जितने भी ऐप हैं वो लोडिंग हो जाएंगे। ये ऐप की लिस्ट आएगी, लोडिंग ऐप लिस्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट करके आपको सिर्फ एक ऐप ऑन करना है, ये सारे ऑफ करने हैं, सिर्फ व्हाट्सएप को ही ओपन करना है। क्योंकि दोस्तों हमें व्हाट्सएप के ही मैसेजों को देखना है। तो ये मैंने व्हाट्सएप पर क्लिक कर दिया है, ये देख सकते हो, ये मैंने व्हाट्सएप को जो हो ऑन कर दिया है। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये अब हम आए गए अपने व्हाट्सएप पर, राइट करेंगे, फिर राइट करेंगे अलाउ। जब हम रीड अलाउ पर आ जाएंगे तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप पर जाएंगे। ये हमारा इधर से व्हाट्सएप आ गया है, ये हम व्हाट्सएप पर जाएंगे, व्हाट्सएप पर पीछे पहुंच गए। ये हम इस व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे पहले हाय। ये हमारा जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया है हाय का। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे। ये दोस्तों मैंने अभी मैसेज करा था हाय, एक बार और करता हूँ, हेलो कर देता हूँ आपके। ये मैं आपके हेलो करता हूँ, हाय हेलो। तो दोस्तों अब मैं इस मैसेज को जैसे ही डिलीट करूँगा तो दोस्तों देख सकते हो इसमें से ये मैसेज डिलीट नहीं होगा। या इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, पहले एक मैसेज डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस मैसेज वाज डिलीट, ये मैसेज डिलीट हो गया है लेकिन मेरे पास से ये मैसेज डिलीट नहीं हुआ है। तो फिर से मैं लिखता हूँ इस पर गुड मॉर्निंग लिखकर फिर मैं सेंड करता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ से डिलीट करूँगा इस मैसेज को, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो ये मैसेज जो है डिलीट, दिस मैसेज वाज डिलीट, ये दिस मैसेज यानी ये मैसेज डिलीट हुआ लिखा हुआ आ गया है लेकिन मेरे फ़ोन से डिलीट नहीं हुआ है।
तो आई होप हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में।